ऑल राइट गेमर्स, तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं GTA सैन एंड्रियास। ठीक है, और चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, गेम प्ले शुरू करते हैं। मेरा नाम है अब्दुलरहमान, और अपना गेम प्ले जो है शुरू कर देते हैं। ठीक है, CJ दरवाजे से बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब अगला मिशन जो है हमने इस मिशन के ऊपर जाना है, और ये मेरे ख्याल में इस मिशन में आर वाले मिशन के ऊपर जाना है। यार अपना मिशन किस जगह पर है यार, उस समय लग रही। अच्छा फ़ोन आ रहा है, फ़ोन उठा लेते हैं। फ़ोन हमने उठा लिया है, और CJ कुछ कोई बातचीत कर रहा है। ठीक है, और मेरे ख्याल में स्किप 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 करने का भी ऑप्शन है फ़ोन को, मगर हम स्किप नहीं करेंगे हमने, क्योंकि CJ की इस मोबाइल पे मतलब कि फ़ोन पे पूरी बातचीत करानी है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्किप करना है कि मत, स्किप तो बिना हमने करना ही नहीं है ना। आगे अभी ये CJ मोबाइल पर बात कर चुका है। ठीक है, अभी अपने आर वाले मिशन के ऊपर चले जाते हैं जी, जो मिशन के ऊपर आर वाला आइकन आ रहा है, मिशन वाले मैप के ऊपर। अच्छा इधर हमने जाना है। ठीक है, अगला मिशन हमका बहुत इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल में होने वाला है। ठीक है, और चलो गाड़ी में बैठ जाते हैं और मिशन गेम प्ले वाला शुरू करते हैं। ओके, अच्छा मिशन हमको पता लग गया कौन सी जगह के ऊपर मिशन है। ठीक है, और मैप में हमको सामने नज़र आ रहा है। यार गाड़ी तो मैं सही दबा के स्पीड के साथ चलाऊँगा। ठीक है, मैंने फटाफट से चटपट से ये मिशन भी निकाल लेना है। और यार मतलब कि गाड़ी हमको ठीक ही मिली है, इतनी वो ख़राब किस्म की नहीं है, हैंडलिंग भी उसकी ठीक है। पिछले मिशन में साइकिल थी मेरे पास, और यकीन करो उस साइकिल से मैं इतना तंग हुआ था यार। मैंने कहा कोई गाड़ी माड़ी हो जाए या कोई और चीज़ हो जाए ऐसी, मतलब कि जिसे हैंडलिंग वैंडलिंग ठीक हो और परफेक्ट तरीके से बंदा मिशन निकाले। यार साइकिल से तो मैं एक बारी मेरे ख्याल में गिरा भी था एक दो बारी, और यार अब बहुत मुश्किल हो रही थी उस साइकिल वाला मिशन निकालते हुए। ठीक है, अब ये मिशन चुपचाप करके चटपट से निकाल लेते हैं। ठीक है, दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल में वो हो बाल कटने कटवाने हैं हमने। हाँ, कोई अपना स्टाइल शायद हमने बालों का बनवाना है, कोई अपना पफ शप देखते हैं बनाना है। अच्छा इनमें से मैं कौन सा बना लूँ स्टाइल, मेरा तो दिल कह रहा है बालों वाला बनाने। यार आपको सस्ता मस्ता करा लेते हैं, हमारे पास पैसे भी थोड़े हैं। ठीक है, ये वाला अपना सेटअप करा लेते हैं बस, क्योंकि हमको बस पैसे भी थोड़े हैं, पैसों के हिसाब से देना देखना पड़ता है ना। आप पैसे अगर ज़्यादा हो तो बंदा भी ज़्यादा वाला अच्छा वाला बना लेते हैं, पैसे कम है मेरे पास और मैं सस्ता वाली हेयर कट करवाऊँगा, ज़्यादा महंगा वाला नहीं कराने। महंगा वाला तब कराता जब पैसे मेरे साथ कैश बहुत ज़्यादा होता। यार कैश तो मेरे पास अभी मेरे ख्याल $300 मेरे पास मेरे ख्याल में पड़े हुए हैं, पैसे मेरे पास बहुत कम है। और $50 वाला मैंने जो मतलब कि अपनी कटिंग थी बालों वाली वो मैंने कटाई है, करा ली है, और अब ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल में ये कोई पीछे का हमें कोई पिज़्ज़े मिज़े के भी अंदर हमने जाके पिज़्ज़ा मिज़ा हमने खाना है। ठीक है, और यार पैसे तो मेरे ख्याल में मेरे पास बहुत कम है, पिज़्ज़ा तो मेरे ख्याल में किसी में खाने होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं। चलें अभी ये मतलब के हम इसी टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं कि अब उस दुकान के अंदर जाके कोई पिज़्ज़ा मिज़ा जाना लाना सी जाए। अब दुकान के अंदर जा रहा है, चलो जाते हैं यार चटपट से जाके देखते हैं पिज़्ज़ा में किस टाइप का मिलता है और कौन से तरीके का मिलता है। चलो पिज़्ज़े वाले के पास चले जाते हैं, उसको बोलते हैं यार भाई स्पेशल किस्म का पिज़्ज़ा बना के दो हमको। अच्छा ये पूछ रहा है, ओहो वाह भाई वाह, अरे यार पैसे नहीं भी लेने हमसे हैं, फ्री में कौन देता है यार, फ्री में तो देना नहीं है, सस्ता वाला सब सस्ता वाला इधर भी लेंगे क्योंकि हमके पास पैसे कम है थोड़े। ठीक है, ज़्यादा ओ दो बड़ी मैंने ले लिया यार। चलो अब ये हमका जो दोस्त है ये बैठ के इंतजार कर रहा है कि CJ किस टाइम पिज़्ज़ा लाएगा और हम पिज़्ज़ा किस टाइम खाएंगे। ओ ये गुली लेके आ रहा है, वाह भाई वाह, ऊपर से खाना पीना और ऊपर से बदमाशी भी, यार ये बात मतलब कि गलत एक किस्म की होगी। ओ खा के तो उसने फिर ऐसा काम कर दिया है, गोली दिखा दी अगले को पिज़्ज़े वाले को। गाड़ी में बैठ जाते हैं यार, गाड़ी में चटपट से बैठ जाते हैं फटाफट से। ओ फायरिंग भी शुरू होगी पीछे से, अरे यार भाग ले यार, गाड़ी भी हमको बस किस टाइप की आ गई, निकल रही नहीं है इधर से, निकल जाना। ओहो किधर लग रहा है, बार बार गाड़ी में इसमें भी हैंडलिंग थोड़ी सी कम ही है यार। सही कोई मैं कहता हूँ बाइक होता ना तो बाइक के ज़रिए मैं फटाफट से पहुँच जाता जो मैप में हमका जिधर अभी हमने जाना है वापस से। यार गाड़ी में सो तो काले रंग का धुआं भी निकल रहा है, अभी तो मैं कहता हूँ खैर ही हो, गाड़ी तो तबाह होने वाली है मेरे ख्याल में भी, तो फटाफट से पहुँच जाते हैं यार मिशन पर। अबे भाग ले
गाड़ी भी इस तरह की यार भाग रही नहीं है। मैंने तो पहले समझे शुरू शुरू में चलाई थी, मुझे गाड़ी सही अच्छी टाइप की लग रही थी। गाड़ी इतनी बकवास भी नहीं है, बहरहाल उस तरह भी नहीं है यार कि फटाफट से लैम्बोर्गिनी तो लैम्बोर्गिनी है, उसकी तरह हो ना तो फटाफट से चटपट से भाग दौड़ के पहुँच जाए। ठीक है, अब इसके ऊपर आ जाते हैं। मेरे ख्याल में मिशन अंगजे वाला भी है, पास होने वाला है। अरे यार सीधी मुड़ जा, किधर जा रही है, मुड़ मुड़ के पहले तबाह होने वाली है गाड़ी, ऊपर से ड्राइविंग भी हम इस तरह किया ना। मेरे ख्याल में ये मिशन भी हमका निकलने को है, निकल चुका है मेरे ख्याल में हमका मिशन। वे यस, हमका ये मिशन पास हो चुका है। अगर आप सब लोगों को ये मिशन वाली गेम यानी कि GTA San Andreas गेम का ये सेकंड मिशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आइंदा की एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।